हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सी एस क्लाइव स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पीछे की वीडियो में प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। और मैंने वर्धमान और ह्रास मार्ग के कॉन्सेप्ट का भी एक वीडियो बनाया था, तो उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी जाके देख लीजिए। तो पहले आप उसी को देखिए, क्योंकि उसको आप देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप सांतत्य और औकलनेयता पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे प्ले लिस्ट पर औकलन क्लास 12th के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 5 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन 5, और 5 क्या कह रहा है, कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर इतना से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, एक बार कह रहा है निरंतर ह्रासमान है। और मैं आपको बताऊं कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 12th में जो हिंदी मीडियम की किताबें हैं उसमें यहाँ पे निरंतर नहीं लिखा होगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे निरंतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में जो इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं उसमें यहाँ पे निरंतर रहेगा। निरंतर का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, तो उसमें स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, तो यहाँ पे निरंतर रहेगा। अगर नहीं है किताब में आपकी तो वहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है। देखिए, इसको आप कैसे लाएंगे, तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन 4, देखिए जैसे क्वेश्चन 4 है वैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन 5 भी है, ठीक है। तो देखिए, जब भी अंतराल आपको निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि ये जो फलन दिया हुआ है इसको आप उतार लीजिए। देखिए फलन क्या है, तो फलन है एफ एक्स बराबर क्या है 2x³ माइनस 3x² और माइनस 36x और प्लस 7, ठीक है। फलन उतारने के बाद तुरंत कीजिएगा इसका डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 2 है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करोगे x के सापेक्ष तो आएगा 3x² माइनस यहाँ पे 3 है, 3 को उतार दो, x² का डिफरेंशिएट करोगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा, आएगा 2x, माइनस है तो माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 36 लिख देता हूँ 36, x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस तो लिख देता हूँ प्लस, और 7 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 0, ठीक है। चलते आगे देखते हैं, देखिए ये है f डैश x बराबर 2/3 हो जाएगा 6x² माइनस 2/3 हो जाएगा 6x, और ये माइनस क्या हो जाएगा 36, इतना हो गया ना। डिफरेंशिएट करने के बाद तुरंत आप क्या करोगे कि f डैश x की जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे f डैश x बराबर तुरंत 0 करोगे, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको यहाँ पे उतारते हैं, 6x² माइनस क्या है 6x और माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है, 6 को आप बाहर निकाल लीजिए, 6 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 6 बराबर हो जाएगा 0। अब ये 6 चला जाएगा 0 के नीचे, तो 0 से भाग होगा तो 6 गायब हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x² माइनस x माइनस 6 बराबर क्या 0। ये एक बन गया गुणनखंड, इसका कर लीजिए गुणनखंड। और गुणनखंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस है, तो इस 1 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 6 है, घटाने पे 1 है, तो 3 और 2 होगा, ठीक है। तो x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और प्लस 2x, इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि 3x में से जब 2x घटाएंगे तो माइनस x आएगा, ठीक है, माइनस 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पे x कॉमन है, x को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे बचेगा x बाहर निकला तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ प्लस है, देखिए 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x, और माइनस 6 में से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद ध्यान से आप देखिए, इस पूरे में x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, ये क्या है, दोनों में कॉन्स्टेंट है कि नहीं, तो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल, सॉरी कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकालिए, तो x माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, तो इस पूरे में ये बाहर निकला तो क्या बचा x, इस पूरे में ये बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचा प्लस 2 बराबर क्या 0। हम लोग जानते हैं कि ये दो संख्याएं मल्टीप्लाई कर रही हैं, इनका गुणनफल 0 आ रहा है, तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ जाए तो इन दोनों में कोई ना कोई शून्य जरूर होगा। तो एक बार इसको शून्य करते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार इसको शून्य करते हैं, x प्लस 2 बराबर क्या 0, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये 3 उधर जाएगा तो बराबर 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे देखिए x ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस 2, ये भी x की वैल्यू आ गई। इट मीन्स x की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा आप,
एक बार क्या आई प्लस तीन आई, एक बार क्या आई माइनस टू आई, ठीक है। तो जब इतना आप कर ले जाएंगे तो इसके बाद आप चलिएगा थोड़ा संख्या रेखा पर, ठीक है। अगर आप संख्या रेखा नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि संख्या रेखा में सबसे पहले एक संख्या खींचते हैं, खींच लिया, इधर जो होता है लेफ्ट साइड में माइनस इन्फाइनाइट होता है, और जो राइट साइड में होता है वो होता है प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है, और बीच में जीरो होता है, ठीक है। जीरो के इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, इधर नेगेटिव संख्याएं होती हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, तीन, तो ये जीरो है तो तीन प्लस में उधर जाएंगे, एक दो तीन, ये तीन हो गया। एक्स की वैल्यू माइनस दो भी है कि नहीं, देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू माइनस दो है तो एक्स की वैल्यू जो माइनस दो है तो माइनस इधर आएगा तो दो इधर आएंगे, एक दो, ये माइनस दो हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए कितना अंतराल बन रहा है, जो भी अंतराल आप बनाएंगे वो हमेशा खुले में बनाएंगे, बंद में आप कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो खुले में जब आप बनाएंगे तो देखिए ये एक इसका इसका अंतराल बनेगा, यानी इनफाइनाइट का आ गया माइनस टू, ठीक है, एक अंतराल बन गया। एक इसका अंतराल बनेगा माइनस टू का आ गया तीन, एक बार इसका बन गया, इसका बन गया, अब इसका और इसका बनेगा, तो इसका और इसका अंतराल बनाएंगे तो क्या बनेगा, तीन कामा प्लस इनफाइनाइट। इस प्रकार यहाँ पे देखिए तीन अंतराल बना, एक अंतराल ये बना, एक अंतराल ये बना, एक अंतराल ये बना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब निरंतर वर्धमान है तब अंतराल निकालो, जब निरंतर ह्रासमान है तब अंतराल निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये अंतराल लेंगे और चेक करेंगे कि इसमें वर्धमान है कि ह्रासमान है, फिर ये लेंगे इसमें चेक करेंगे, फिर ये लेंगे इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले जो फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएट किए थे उसको उतार लो आप। तो देखिए डिफरेंशिएट किया गया जो फंक्शन था एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू ये है, तो इसको उतार लेते हैं पहले, क्या है एफ डैश एक्स बराबर वैल्यू क्या है, तो जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस 36, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसको उतार दिया यहाँ पे, ठीक है। उतारने के बाद एक बार इस अंतराल में चेक करेंगे, इस अंतराल में ध्यान दीजिए, एक बार इसमें चेक करेंगे, एक बार इसमें चेक करेंगे, एक बार इसमें, तो इसमें चेक करने के लिए देखिए आप यहाँ पे x है ना, तो कहोगे x एलिमेंट है किसका, इसका, इसका माने क्या माइनस इनफाइनाइट और कामा क्या माइनस दो का, इस अंतराल में हम चेक कर रहे हैं। अब ये खुला अंतराल है, इसका मतलब होता है कि इस अंतराल में इनफाइनाइट से लेकर के माइनस दो तक जितने भी लोग आ रहे हैं सारे लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन माइनस इनफाइनाइट और माइनस दो शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच देखिए माइनस तीन भी शामिल है, माइनस चार भी शामिल है कि नहीं, तो इसके बीच माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच सारे लोग हैं ना, तो इनके बीच में कोई एक वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, उसे मनी में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ नहीं पुट करेंगे, ठीक है। और जब भी आप सवाल लगाओगे सवाल में आपको नहीं पुट करना है, बस मनी में पुट करके आपको चेक कर लेना है। तो इसके इसके बीच में एक वैल्यू रखनी है एक्स की, तो इसके इसके बीच में एक वैल्यू माइनस तीन ले लेते हैं, उसको रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर माइनस तीन रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये सिक्स है कि नहीं, तो ये सिक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं माइनस तीन, तो माइनस तीन का वर्क करेंगे तो हो जाएगा तीन तरीक का नौ, और माइनस हट जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे छः हो जाएगा। एक्स की वैल्यू माइनस तीन है तो गुणे क्या हो जाएगा माइनस तीन, और ये क्या हो जाएगा माइनस 36, ठीक है। देखिए छः नवा क्या हो गया 54, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, छः तरीक क्या हो गया 18, और माइनस क्या हो गया 36, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये 54 और 18 कितना हो गया 72, और माइनस क्या हो गया 36, और घटाएंगे तो क्या आएगा, आएगा 36। अब देखिए ये जो 36 आया वो पॉजिटिव में आया कि नहीं आया, बिल्कुल 36 पॉजिटिव है। तो वैसे आप माइनस इनफाइनाइट से माइनस दो के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके आप रख चेक कर लो, हमेशा जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स इस अंतराल में जो ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है कि नहीं, चेक कर लो आप। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जीरो से बड़ी होती है, तो ये भी जीरो से क्या होगा बड़ा होगा। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह है, चूंकि एफ डैश एक्स बड़ा है, किससे बड़ा है जीरो से, बड़ा है कि नहीं है। तो अगर बड़ा है तो हम लोग जानते हैं कि जब ये कंडीशन होता है तो फलन क्या होता है निरंतर वर्धमान होता है। मैंने वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान के सारे मैंने कंडीशन बताए हैं। तो अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाके उसको देखिए, तब आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये निरंतर वर्धमान का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया कि एफ डैश एक्स बड़ा है किसे जीरो से, तो क्या है ये जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि एफ डैश एक्स बड़ा है जीरो के, तो जब भी आएगा तो निरंतर वर्धमान होगा। इसका मतलब ये जो फलन है वो एक्स इस अंतराल में क्या है निरंतर वर्धमान है। यानी जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ए वाला, तो निरंतर वर्धमान किस अंतराल में है, तो इस अंतराल में। इस अंतराल माने क्या, माइनस इनफाइनाइट से माइनस दो के बीच, तो निरंतर वर्धमान में ये एक अंतराल आ गया, ये हो गया आंसर। अब इसमें आप चेक कर लो,
इसमें, तो इसमें भी चेक करने के लिए आपको सेम यही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बगल में चेक कर देते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले आपको ये वैल्यू उतार लेनी है जो डिफरेंशिएट किया हुआ फलन था। तो ये अब डैश एक्स बराबर ये क्या है, तो ये है 6x² माइनस, ये क्या है 6x और माइनस क्या है 36, यही है कि नहीं। इस अंतराल में चेक हो गया, अब इसमें चेक करेंगे तो कहेंगे कि यक्स जो है वो एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, तो यक्स एलिमेंट है इस अंतराल का। इस अंतराल का माने क्या, -2, 3। इसका मतलब -2, 3 इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। तो -2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। तो इसके बीच में देखिए -1 है, 0 है, 1, 2, 3 कुछ भी आ रहा है, तो 0 रख के चेक कर लो, 0 रख के चेक कर लीजिए आप। तो जब भी आप कुछ भी आप रख के चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मन में हम 0 रख लेते हैं, तो इसमें 0 रख के आप चेक करोगे तो देखिए ये क्या होगा, x की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा -36। यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो -36 है, निगेटिव में आई। वैसे आप इसके बीच में कोई भी मान रख लो, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव ही आएगी। तो कह सकते हो कि अंतराल के लिए जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है कि नहीं। तो जब एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है तो क्या होता है, निगेटिव 0 से छोटी होती है, तो ये भी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। इसीलिए क्या क्या होगा कि एफ डैश जो यक्स है वो क्या होगा, छोटा होगा 0 से, होगा ना। तो अगर जब भी ये कंडीशन आता है तो क्या होता है, फलन निरंतर ह्रासमान। इट मीन्स ये जो फलन है वो इस अंतराल में क्या है, निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो देखिए ये अंतराल है, तो निरंतर ह्रासमान के लिए कौन सा अंतराल आया, -2, 3। यानी इसका ये आंसर हो गया, इसके ये आंसर हो गया। लेकिन अभी एक अंतराल और बचा हुआ है, 3, इनफाइनाइट। तो इसमें भी चेक करेंगे कि फलन क्या है, ह्रास निरंतर ह्रासमान है कि वर्तमान है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, कि जो ये डिफरेंशिएट किया गया जो फलन था उसको लिखोगे। तो क्या था कि एफ डैश एक्स, ऐसे आप कई बार कर लीजिएगा, ये पहला मान लीजिएगा, ये दूसरा मान लीजिएगा, ये मतलब एक बार इस अंतराल के लिए लिख देना, एक बार इस अंतराल के लिए, फिर लिखना इस अंतराल के लिए, फिर लिखना इस अंतराल के लिए। तो आप लिख सकते हो इस अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए लिखने के बाद आप उतारोगे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है 6x² -6x और क्या, -36, ठीक है। तो यहाँ पे जो यक्स है वो एलिमेंट किसका है, इस अंतराल का, इस अंतराल माने गया 3, इनफाइनाइट का, है कि नहीं है। तो 3, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि 3 से इनफाइनाइट के बीच में देखिए 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, कुछ भी आएगा, बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं ना। तो 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रखे आप चेक कर सकते हो, कुछ भी आप रखे यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो 4 रखो, 5 रखो, देखो कुछ भी रखोगे आप, तो मैं आपको बता दूं जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रख के चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। तो कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, 4 ही रख लो, तो 4 रखोगे, देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, और 16 छक्का 96 और 24 और 36, बाकी देखिए ये 96 आ रहा है और इसका इसका जोड़ कम आ रहा है, तो जोड़ने में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये अब डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी, किसी कोई वैल्यू रख दो तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो यप डैश एक्स भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और अगर बड़ा है तो ये भी क्या है, निरंतर वर्तमान है। इट मीन्स इस अंतराल के लिए भी क्या होगा, निरंतर वर्तमान। तो हमारे पास 3 अंतराल थे, ये और ये, इसके लिए क्या था, निरंतर वर्तमान, इसके लिए निरंतर ह्रासमान, इसके लिए भी क्या है, निरंतर वर्तमान, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 5 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 4, 5 पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, ABCDE 4, 5 क्वेश्चन दिए हैं, अंतराल पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि अंतराल कैसे निकाला जाता है, बस सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए पहले में निकालना है, तो पहले में अगर निकालना है तो पहले फलन लिखिए, फलन क्या है, f(x)(x²+2x+5, आपने फलन लिख लिया। अब फलन लिखने के बाद तुरंत करोगे डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 का डिफरेंशिएट 0 होगा, उसको हटाओ। इसके बाद क्या करते हैं, तुरंत चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, और चूंकि के बाद तुरंत इसलिए लगता है, इसलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+2 = 0, फिर 2x ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर क्या आएगा, -1, हो गया कि नहीं। अब चलते हैं संख्या रेखा पर, संख्या रेखा यही होती है,
इधर इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, बीच में क्या होता है जीरो, लेकिन माइनस एक है तो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा तो इधर होगा माइनस एक। देखिए ये और ये और ये तीन लोग हैं तो दो अंतराल बनेगा, एक बार इसका इसका माइनस इनफाइनाइट और माइनस एक का, एक बार माइनस एक और इनफाइनाइट का, माइनस एक और इनफाइनाइट का, इस तरह हमारे पास दो अंतराल बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं। अब वही काम करेंगे, इस पर चेक करेंगे कि क्या है निरंतर वर्धमान है कि नहीं। देखिए कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए कि फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है, समझो पहले आप, मतलब बताना है कि किस अंतराल पे क्या है। अब दो अंतराल हमारे पास है, अब दोनों पे बताना है कि दोनों में क्या है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, सिंपल आप एक बार इसके लिए लिखोगे माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस एक के लिए, इतना लिखोगे, इतना लिखने के बाद वो जो डिफरेंशिएट किया गया था फलन था उसको उतारोगे तो वो क्या था, एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 2 था कि नहीं। इसके लिए चेक कर रहे हैं तो कहेंगे x एलिमेंट है किसका, माइनस इनफाइनाइट और माइनस एक का, इतना हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट और माइनस एक के बीच में आप कोई वैल्यू रखो तो माइनस इनफाइनाइट और माइनस एक के बीच में माइनस दो माइनस तीन माइनस चार सब लोग आ रहे हैं तो मनी में रख के चेक कर लो, तो हम माइनस दो रख के चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस दो रखे आप चेक करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस दो है तो दो का माइनस दो में गुणा करोगे माइनस चार आएगा, माइनस चार में से दो घटेगा तो माइनस दो ही आएगा। ओ यानी ये रखने पे, कोई मान रखने पे वैल्यू निगेटिव आ रही है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, निगेटिव आ गई ना। ओ अगर निगेटिव आएगा तो क्या होगा इसके, देखिए निगेटिव माने क्या कि एफ डैश एक्स छोटा है जीरो से, क्योंकि निगेटिव संख्याएं जीरो से क्या होती हैं, छोटी होती है, तो ये भी जीरो से छोटा होगा। और जब ये कंडीशन आएगा तो कहोगे कि क्या है, निरंतर ह्रासमान है, इट मीन्स इस अंतराल में क्या है, इस अंतराल में क्या है, निरंतर ह्रासमान है, ठीक। अब इसके लिए चेक कर दोगे इसके लिए, और यही सेम काम करोगे जैसे मैंने ये किया, तो इसके लिए आप लिखोगे क्या, माइनस एक कामा इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। तो इतना आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएट किया गया फलन उतारोगे, क्या था एफ डैश एक्स बराबर टू एक्स प्लस टू, इसको आपने उतार लिया। इसके लिए चेक करना है तो लिखोगे आप एक्स एलिमेंट है किसका, माइनस एक कामा इनफाइनाइट का, ठीक है, इतना हो गया। अब माइनस एक कामा इनफाइनाइट के बीच कोई वैल्यू यहाँ रख के आप चेक कर सकते हो, तो इसके बीच में जीरो भी आता है, एक भी आता है, दो भी आता है, तो हम जीरो रख के चेक कर ले रहे हैं, तो जीरो रख लीजिए आप, तो दो एक्स की वैल्यू जीरो है, ये जीरो हो जाएगी, प्लस टू, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस टू आएगी, और इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, प्लस प्लस में ही आएगी, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, और प्लस वाली संख्याएँ क्या होती हैं, जीरो से बड़ी होती हैं, ये कंडीशन जब आता है तो क्या होता है, फलन होता है निरंतर वर्धमान, ठीक है। यानी इस अंतराल में निरंतर किस, इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है, इस अंतराल में क्या है, निरंतर ह्रासमान है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए भी देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं देखेंगे सिक्स का बी, तो देखिए सबसे पहले सिक्स का बी उतारेंगे, तो सिक्स का बी उतर गया, ठीक है, उतर गया ना। अब क्या है सिक्स का बी, कहाँ उतर गया अभी, एफ एक्स बराबर क्या है, टेन माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स बराबर 10 का डिफरेंशिएट 0, 6x का 6 आएगा और 2 हो गया, x स्क्वायर का 2 आएगा, फिर क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा दो दुनाए माइनस 4x, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल गई। फिर क्या तुरंत करोगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर करोगे, चूंकि इसकी वैल्यू 0 है इसीलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, तो माइनस 6 माइनस 4x बराबर 0 है, फिर ये माइनस फोर एक्स है, ये उधर हो जाएगा तो ये प्लस छः हो जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे आप तो आएगा चार, ओ सॉरी छः बटा माइनस चार, दो से काटोगे तो आएगा तीन बटा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई ना, चलो ठीक है। अब क्या करोगे, सीधे आप चलोगे संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा में एक तरफ माइनस इनफाइनाइट होता है, एक तरफ क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, बीच में होता है जीरो, संख्या है माइनस में आई है इसलिए जीरो के लेफ्ट साइड में रहेंगे, तो इधर मान लीजिए कहीं माइनस तीन बटा दो है, अंतराल दो बन रहा है, एक बन रहा है माइनस इनफाइनाइट का माइनस तीन बटा दो, एक बन रहा है क्या माइनस तीन बटा दो और इनफाइनाइट, दो अंतराल बन गया। एक बार इसके लिए चेक करोगे, एक बार इसके लिए चेक करोगे, ठीक है। तो एक बार इसके लिए चेक कर दे रहा हूँ, माइनस इनफाइनाइट का तीन बटा दो के लिए, दो के लिए इसके लिए आप चेक करोगे तो पहले फलन क्या है इसके लिए, तो फलन है एफ डैश एक्स बराबर माइनस सिक्स और माइनस फोर एक्स, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं तो क्या कहोगे कि जो एक्स है वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, माइनस इनफाइनाइट और माइनस तीन बटा दो का,
अब इसके बीच में कोई वैल्यू यहाँ पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में वैल्यू आ सकती है -3, -4, -1, सब आ रहे हैं, तो -3 रख के चेक कर लेते हैं। तो -3 रख के आप चेक करोगे तो देखिए ये -6 है, ये -4 गुणे ये -3 है, तो -3 चार तीन -12, ये +12 हो जाएगा। और +12 से जब 6 घटाओगे तो क्या आएगा, प्लस से आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके बीच में आप कुछ भी रख के चेक करो, प्लस में आएगा। तो यफ डैश एक्स की वैल्यू केस में आ गई प्लस में, और प्लस वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी। ये कंडीशन आया तो फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान जब है तो फलन ये आ गया, मतलब इस पर अंतराल में क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। अब वैसे एग्जैक्टली इसमें भी चेक कर देना है, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे इधर 0, 1, 2, 3 आ रहा है कोई मान रख के आप चेक कर सकते हो। अगर निगेटिव आया तो निरंतर ह्रासमान, और अगर पॉजिटिव आया तो निरंतर वर्धमान, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी देख लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट एक्स है तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे -2 है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा, 3x² माइनस यहाँ पे देखिए 9 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा, यहाँ पे 12x का डिफरेंशिएट 12 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यफ डैश एक्स बराबर 3 दुनाए -6x² -9 दुनाए क्या, 18x, और ये क्या हो जाएगा -12, इतना होगा कि नहीं। फिर तुरंत क्या करते हैं इसके बाद, क्या करते हैं कैसे कह लो, चूँकि यफ डैश एक्स बराबर 0 के, तो यफ डैश एक्स की जो वैल्यू हो ये है, तो लिख लो -6x² -18x -12 बराबर 0। देखिए ये वाला इधर देख लेते हैं, देखिए माइनस से काम लेंगे तो हो जाएगा -X² माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा 3x, और ये प्लस हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। 6 को उधर भेजेंगे तो आएगा X² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड आप कर ही ले जाएंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं, X² हो जाएगा प्लस 2x और प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स कॉमन लोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 2, फिर एक कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। देखो दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, बाहर निकालो तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 1। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लोगे, ठीक है। चलते हैं आगे देख लेते हैं, 2 का गुणनफल 0 है तो ये दोनों को एक बार 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, x बराबर उधर जाएगा तो -2 आएगा, एक बराबर x बराबर उधर जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं संख्या रेखा पर, देखिए ये संख्या रेखा है, इधर निगेटिव होती है, इधर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बीच में क्या होता है, 0 होता है। हमारे पास दो लोग आए, एक बार -2 एक बार -1, तो -2 क्या होगा, 0 के इधर होगा, तो 1, 2 ये -2 आ गया, -1 भी इधर ही होगा, तो ये क्या आ गया, -1 आ गया। तो अंतराल बनाते हैं एक बार इसका इसका बनाते हैं, तो इनफाइनाइट कामा -2, एक बार इसका इसका बनाते हैं तो क्या होगा, -2 कामा -1, एक बार इसका इसका बनाते हैं तो क्या आएगा, -1 कामा इनफाइनाइट। इस तरह हमारे पास 3 अंतराल बन गए, ठीक है। अब एक बार इसमें चेक करोगे, एक बार इसमें चेक करोगे, एक बार इसमें चेक करोगे, और देखोगे किस अंतराल के लिए निरंतर ह्रासमान आ रहा है और किसके लिए निरंतर वर्धमान आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर सी भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का डी, और इसको लगाना है, अंतराल निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे यक्स है तो यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दोगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तुरंत यफ डैश यक्स की वैल्यू 0 के बराबर करते हो, पहले इसको सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -9 और -2। चूंकि के बाद तुरंत लगाते हैं, इसीलिए यफ डैश एक्स की वैल्यू ये आप निकाले हो क्या, -2 कामा 2x और बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद -2x बराबर हो जाएगा 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये निकल गया x का मान। अब चलते हैं अंतराल पे, देखिए ये है अंतराल और ये है -2, ये है +2, बीच में होता है 0, तो माइनस में है तो माइनस इधर कहीं होगा, 9/2। अंतराल बनाते हैं, दो अंतराल बनेगा, एक बार इसका माइनस इनफाइनाइट और -9/2 का, एक बार इसका अंतराल बनेगा -9/2 और कामा इनफाइनाइट का, ठीक है। तो इस तरह एक और एक दो अंतराल बन गए हैं। तो एक बार इसमें आप चेक करोगे और फिर एक बार इसमें चेक करोगे, ठीक है, और आप बता ले जाओगे किस में वर्धमान है और किस में ह्रासमान है, ठीक है। लगा ले गए तो ठीक है, नहीं लगा पाए तो आप
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर के मेरे व्हाट्सअप पे आप कमेंट करोगे कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब देखते हैं सिक्स का ई और ई क्या है, तो देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर ई, और ई को अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स है, तो क्या करोगे, एक्स के साथ एक्स करोगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं एफ डैश एक्स। दो संख्याएं गुणा कर रही हैं, पहले को पकड़ोगे दूसरे का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को पकड़ोगे पहले का डिफरेंशिएट। तो पहला क्या है, एक्स प्लस वन को पकड़ लिया आपने, इसका डिफरेंशिएट आप करोगे तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और ये उतारोगे तो एक्स माइनस थ्री का क्यूब, और प्लस दूसरे को पकड़ो दूसरा माने क्या, एक्स माइनस इतने का क्यूब, और पहले का डिफरेंशिएट पहला माने इसका डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और पहला है एक्स प्लस वन का क्यूब। चलो आगे देख लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट तो होगा नहीं अभी, एक्स इतना उतार देते हैं, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा थ्री, और फिर आएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, क्योंकि एक्स पावर इनका फार्मूला है, फिर तीन को ढकोगे, इसका करोगे डिफरेंशिएट तो इसका डिफरेंशिएट एक आएगा, ठीक है। फिर हो गया प्लस, इसको उतार दो एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तीन को ढकोगे एक्स प्लस वन क्या करोगे तो एक ही आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर ये हो गया देखिए एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये जो कम घात वाला होगा वो कॉमन हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, और इसका भी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, और इसमें दो घात कॉमन ले तो एक घात बचेगा, तो बचा एक्स प्लस वन, और बच रहा है तीन, तो तीन को भी लिख देते हैं, ये तो बचेगा नहीं बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पे तीन है तीन को उतार देते हैं, इसका तीन घात है दो घात बाहर चला गया, तो बचेगा एक्स माइनस तीन, और ये तो बाहर ही चला गया। इसके बाद क्या करते हैं, तो पहले हल कर लेते हैं सही से, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर, क्यों गुणा करोगे तो आएगा थ्री एक्स और प्लस थ्री और थ्री एक्स माइनस, तो यहाँ पे नौ हो जाएगा, और इसको घेर देते हैं एक बार और सही से लिख लेते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, तीन त्रिक तीन तीन छः एक्स, और प्लस नौ में से तीन गया कितना आया माइनस छः। देखो इसके बाद क्या करते हैं, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर जीरो करते, क्यों बच्चे यही तो करते हैं ना, एफ डैश एक्स वैल्यू क्या है, तो ये पूरा है इसको उतारो एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर और सिक्स एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, क्यों यही तो। अब क्या करेंगे, देखो तीन लोग हैं, तीनों का गुणनफल जीरो है, तो कोई ना कोई तो शून्य होगा, तो सबको एक बार शून्य के बराबर कर लेते हैं, एक बार एक्स इतने का स्क्वायर बराबर शून्य, एक बार एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर शून्य, एक बार सिक्स एक्स माइनस इतने का स्क्वायर बराबर शून्य। तो देखो ये जाएगा उधर तो हट जाएगा, क्योंकि जीरो का वर्गमूल जीरो ही होगा, एक्स बराबर आएगा माइनस एक, आया कि नहीं आया, यहाँ पे आ जाओ, ये हटेगा जीरो का वर्गमूल निकल जाएगा, जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा तीन, यहाँ पे देखो छः एक्स छः उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, छः से छः कट गया तो एक्स बराबर क्या हो गया एक, यानी एक्स का तीन मान आया ये, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते हैं ग्राफ में, वो संख्या रेखा पर, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट, क्यों बीच में होता है जीरो, तो लिख दिया जीरो। देखो जीरो के राइट साइड में संख्याएं प्लस में होती हैं, तो प्लस देखिए माइनस है तो लेफ्ट साइड में माइनस एक आ जाओ, राइट साइड में प्लस तीन कह रहा है तो एक दो तीन तीन आ गया, राइट साइड में प्लस एक कह रहा है तो प्लस एक आ गया। देखो जीरो से तो मतलब है नहीं हमको, हमारे पास देखो ये चार पाँच बहुत सारे अंतराल बन रहे हैं, तो एक बार इसका बना लो माइनस इनफाइनाइट से माइनस एक, ये बन गया एक अंतराल, एक माइनस एक का मा एक का बन गया, एक बार इसका एक और तीन का बन जाएगा, एक तीनों प्लस इनफाइनाइट का बन जाएगा, ठीक है। इस तरह एक दो तीन चार चार अंतराल बन गए। अब बारी बारी से सभी में चेक करोगे कि किस में निरंतर ह्रासमान है और किस में निरंतर वर्तमान है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने सिक्स का ई तक क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज की वीडियो में रहने दें कुछ में सिक्स तक ही, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे सिक्स के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आगे का वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक
मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, या तो सबसे बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।